चीज देख लीजिए, नजर उठा के आपके अगल बगल में आस पास में 17 से 21 वर्ष के ऐसे कितने युवा हैं जिनके बैंक बैलेंस में 12 लाख 15 लाख 29 लाख रुपया है। 4 साल में आपका जो अपनी कैपेसिटी सेल्फ हो जाती है वह 30 लाख के आसपास हो जाती है। तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जिसको इतने कम उम्र में देश की सेवा का भी, सेना की वर्दी पहनने का भी मौका मिलता है, और एक 22 साल के उम्र में इतनी कम उम्र में आप एक फाइनेंशियली इतने मजबूत हो जाते हैं कि फ्यूचर आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अन्य लोगों से। इसलिए इस योजना को पहले बढ़िया से समझिए। शुरू में कमी रही कि बीजेपी के लोग समझा नहीं पाए, कंफ्यूजन कहां हुआ मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा कोविड के टीका के समय में भी देश में इसी तरह से कंफ्यूजन कराया गया। आज यूक्रेन में आप देख लीजिए, यूक्रेन में रशिया लड़ रहा है, उसने जमीन पर जितने सैनिक उतारे हैं वो सब मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बम्बार्डिंग से, प्लेन से और ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर से जो है जो युद्ध लड़ रहा है वो सब सफल हो रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मैं भी बात करने वाला हूं अग्निपथ और अग्निवीर पर। इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे अभी हमारे साथ हैं प्रदेश के बिहार में, और अभी पूछेंगे अग्निपथ और अग्निवीर में जिस प्रकार से कन्हैया कुमार ने मनीष जी यहां पर आकर विरोध किया है, और आप लोगों ने उनके विरोध में जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, उससे बीजेपी की मानसिकता कैसी जाहिर हो रही है। सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कन्हैया कुमार के ऊपर, बीजेपी के मानसिकता वाले लोग हमला कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, कन्हैया कुमार के बारे में पूरा देश जानता है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है, और उन्होंने ही यह नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उनका जो वह चरित्र है, वह चरित्र आज भी कायम है। वह पार्टी जरूर बदल दिए हैं, और आपने देखा होगा यही कारण है कि वो कांग्रेस के मंच पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका विरोध किया गया था। क्योंकि देखिए, जो भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, वह चाहे किसी भी दल में हो, जो देश से प्रेम करता है, जो भारत को अपना मातृभूमि मानता है, वह कभी यह नहीं चाहेगा कि कन्हैया ये बोलते हैं कि आप देशद्रोह और राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट देने वाली आपकी पार्टी की कैसे काम कर रही है। वो तो कल उनको उन्हीं के मंच पर उनके कार्यकर्ताओं ने सर्टिफिकेट दे दिया कि कौन है राष्ट्रवादी है और कौन नहीं है। देखिए, ये राष्ट्र जो देश में पैदा लिया, जो देश से प्रेम करता है, वह किसी भी पार्टी में हो, वह राष्ट्रवादी अगर है तो वह कभी भी ऐसे तत्वों को स्वीकार नहीं करेगा, और उसी का यह प्रकटीकरण है जो कल उनका विरोध उन्हीं के मंच पर हुआ। कांग्रेस ही कन्हैया का विरोध कर रही है? कांग्रेस नहीं कर रही है, वह व्यक्ति जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। जो इस देश में राष्ट्रवादी सोच के हैं, वह किसी भी पार्टी में हो वो अलग विषय है, लेकिन जो नहीं चाहते कि इस देश का बंटवारा हो, जो नहीं चाहते कि ऐसे तत्व जो देश का बंटवारा करना चाहते हो उनको कभी मंच मिले। तो राष्ट्रवादी का मतलब क्या क्राइटेरिया है, परिभाषा है? जो देश से प्रेम करता है, जो देश को अखंड रखना चाहता है, बहुत क्लियर फॉर्मूला है। जो भारत माता से प्यार करता है, जो इस मातृभूमि के एक एक कण से प्यार करता है। कन्हैया का कहना है कि जो मोदी जी का, शाह का, मोदी शाह का लॉबी का मतलब चापलूसी करेगा, वो ज्यादा राष्ट्रभक्त कहलाएं। देखिए, वो किसके चापलूसी करते रहे अब तक और अब किसके चापलूसी कर रहे हैं, यह सब लोग जनता समझती है। उनके कह देने से वह कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हैं किसी को, वो दूसरे के बारे में आरोप लगा रहे हैं, वो क्या सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हुए हैं भाजपा को, और भाजपा को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है। और जो राष्ट्रवादी है, मैं तो उन सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने यह नेक काम करने का काम किया। क्योंकि कोई भी राष्ट्रवादी होगा, वह किसी भी पार्टी का सदस्य होगा, वह राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन ऐसे तत्वों को वो कभी प्रश्रय नहीं देगा जो भारत का बंटवारा, भारत का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता। तो अभी अभी जैसे कि अग्निपथ और अग्निवीर, इसको लेकर जिस प्रकार से कन्हैया ने विरोध प्रदर्शन जाहिर की है, और कांग्रेस पार्टी 243 विधानसभा में लगातार सक्रिय है, उसका कहना है कि ये तमाम चीज़ें मोदी जी अब सेना को भी, साथ ही तमाम चीज़ों में निजीकरण कर रहे थे, अब सेना को भी बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं निवेदन करूंगा एक बार अपने सारे विपक्ष के साथियों को, चाहे वह कन्हैया कुमार रहे चाहे कोई, अगर सिर्फ विरोध करने की आपकी मंशा है तब तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई में छात्रों के हित में चाहते हैं कोई योजना आए, इसमें क्या अच्छाई क्या है, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने सारे विपक्ष के साथियों को आपके इस चैनल के माध्यम से कि एक बार अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना का पहले बढ़िया से अध्ययन कीजिए कि उसमें है क्या,
ये अध्ययन करने की चीज है। देखिए मैं अपने सारे उन युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा जिनको कहीं कंफ्यूजन है, वो पहले अध्ययन करें कि अग्निपथ योजना है क्या। और देखिए जिन लोगों ने अध्ययन किया है आज 57,000 से ज्यादा ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं इसके, तो ऐसा नहीं है अगर यह इस योजना में कोई दोष होता तो निश्चित रूप से युवा उसे उदासीन रवैया अपनाते, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अग्निवीर योजना की विशेषता क्या है। देखिए एक तो यह तय मानिए कि सेना रोजगार का प्लेटफॉर्म नहीं है, सेना रोजगार देने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सेना में जो लोग भी जाते हैं वह देश भावना से जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है वह नौकरी करने वाला नहीं जाता है, वह सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होती है देश की सेवा सबसे पहले। दूसरी बात कि जो लोग, मैं सुन रहा था कुछ लोगों का, उन लोगों का कहना है कि काहे नहीं 40 साल तक करने दें, 35 साल, मैं उसी विषय पर मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। कल एक मैं सुन रहा था किसी का इंटरव्यू था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि कर्नल ने जो वीरता पुरस्कार मिला हुआ उनका उन्होंने विरोध किया। भाई मेरे दादाजी साइकिल से नहीं चलते थे, पैदल चलते थे, तो अब वो तो उस हिसाब से अपना स्टेटमेंट देंगे कि पहले साइकिल पैदल चलते थे तो सुरक्षित रहते थे, एक्सीडेंट नहीं। देखिए समय के साथ अपडेट होना यह भी बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। आज पूरे विश्व में आप उठाकर देख लीजिए तो जो युवाओं, जो सेना है उसकी जो आयु वर्ग है वह, अब बताइए आप कारगिल में जहाँ पर माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है, जब वहाँ 30 और 35 साल के जब सेना वहाँ पर ड्यूटी करते हैं तो उनको सांस की जितनी समस्या होती है उतना 17, 18, 19, 20 साल के युवाओं को होगी। जितना युवा सेना हमारा युवा होगा अच्छा, उतना युवा हमारी सेना मजबूत होगी। कारगिल में तो अच्छा प्रदर्शन रहा है। देखिए मैं सेना के प्रदर्शन पर सवाल नहीं खड़ा करता और कोई सेना के प्रदर्शन पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। हमारी सेना पहले भी विश्वसनीय सेना रही है, विश्व स्तरीय सेना रही है, हमें गर्व है अपनी सेना पर। लेकिन हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अगर देश ने हमारे ऊपर विश्वास किया, यानी कि मोदी जी के ऊपर अगर विश्वास किया है, पेंशन के ऊपर, मैं अभी आ रहा हूं कि अगर देश ने मोदी जी पर भरोसा किया है तो मोदी जी का यह कर्तव्य बनता है कि दूरदृष्टि पक्का इरादा रखें, और इसी दूरदृष्टि पक्का इरादा के कारण यह जो है यह योजना आई है। और इसमें एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, देखिए ये 4 साल जो लोग हैं जिसको कि प्रोपगंडा किया जा रहा है, यह जो है यह 4 साल प्रशिक्षित होंगे, ये बात आप समझिए, एक तरह से उनका ट्रेनिंग पीरियड है वह 4 साल। और उसमें से मतलब आप इसको इस तरीके से इस योजना को समझिए कि 25 की जगह 100 लोगों को लिया जा रहा है, और उस 100 लोगों में जो परफॉर्मेंस के आधार पर एक बेटर क्वालिटी सेना की निकल के आए उसमें 25 लोगों को शामिल किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, और 75 लोगों को जहां 4 साल तक उनके अच्छी खासी उनको सैलरी देके, फिर 10,71,000 रुपया 11,71,000 रुपया उनको ऐसे देके उनके आगे की योजना में उनको शामिल किया जाएगा। ये बातें शुरू में कमी रही कि बीजेपी के लोग समझा नहीं पाए, कोई कमी नहीं। राजनाथ देखिए आप एक बात जान लीजिए, राजनाथ सिंह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें पहले दिन कर दी थी। कंफ्यूजन कहां हुआ मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा कोविड के टीका के समय में भी देश में इसी तरह से कंफ्यूजन कराया गया था। नहीं, इसमें तो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ट्रेन जलाने में बीजेपी बजरंग दल ये वाले लोग ज्यादा रहते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले उस कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि कोरोना के टीका के समय में भी चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे राजद के नेता हो कोई नेता हो, इन लोगों ने कभी फ्रंट पर आकर नहीं कहा कि नहीं टीका बढ़िया आप लोग लीजिए। तो उनके जो समर्थक है उनको लगेगा कि जब मेरा नेता टीका नहीं ले रहा है तो हम कैसे टीका ले लें, जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। तो एक तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, पहली बात। और दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश आरजेडी का जो ट्विटर वेरीफाइड हैंडल आप उसको उठाकर देख लीजिए, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है कि भाजपा के कार्यालय पर जाओ और वहीं धरना प्रदर्शन करो। आप उठाकर देखिए किसने लिखा है, उत्तर प्रदेश राजद का जो वेरीफाइड हैंडल है, उत्तर प्रदेश यूपी और राजद यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उसका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल आप उठा के देखिए, अभी हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। मतलब दंगा प्रदर्शन राजद ने करवाया, उसने स्पष्ट रूप से हिंट किया है, दंगा प्रदर्शन कराया उसने, हिंट किया है कि आरजेडी के हर जिलों में दफ्तर बना हुआ है, आप जाकर वहां पर आप जो है वहां प्रदर्शन कीजिए। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं, इस तरह से डायरेक्ट। अच्छा उतना ही नहीं है, उन 3 दिनों में आप आरजे तेजस्वी जी का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके लोगों को भड़काने का काम किया है। आरजेडी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आरजेडी पे किस
तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं? अरे भाई, आप आरजेडी का वेरीफाइड अकाउंट है, आरजेडी उत्तर प्रदेश, आप उसको उठाकर देख लीजिए। 16 जून को उसने, देखिए, स्पष्ट रूप से आरजेडी उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि ट्रेन बस सरकारी संपत्ति है, ये जनता की ही संपत्ति है, इसे क्षतिग्रस्त का नुकसान कीजिए। लुटेरी भाजपा सरकार ने देश को लूटा है, लुटेरी भाजपा सरकार ने पैसे लूट, देश घर के हर जिले में करोड़ों की लागत से अपना कार्यालय बनाया है, समझ रहे हैं ना? देखिए इसमें, आप इसको देखिए, ठीक है, इसने भड़काया। उसके बाद दूसरा ट्विटर देखिए, नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी के करोड़ों के आलिशान कार्यालय बने हैं, वहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, धन्यवाद। अरे भाई, तो आप क्या कह रहे हैं उसको? आप ये जो है, ये आरजेडी उत्तर प्रदेश का अकाउंट आप देखे, उठाकर देखिए, जिसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी का जिक्र किया गया है और लिखा, ये क्या लिखते कि आग लगाइए, इतना ही हिंट्स किसी कार्यकर्ता के बारे में जब आप भड़का रहे हैं तो काफी है, एक बात। और दूसरी बात कि आईडी सीआईडी ने तो पूरा क्लियर कर दिया, आज जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे मैसेजेस पकड़े गए हैं, ये सारा चीज तो क्या इन लोगों पे जैसे कि अभी तो आपकी सरकार है, केंद्र से लेकर बीजेपी हो या बिहार हो, इन तमाम जगहों पर आपकी सरकार है, तो इसमें आप कार्रवाई तो वहां पर कर सकते हैं ना? आपका इंटेलिजेंस भी पकड़े गए हैं, आईबी पकड़े गए हैं लोग, और जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन है वो भी नाम आ जाएगा धीरे धीरे सब सामने, कहाँ से संचालित हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सब सामने आ रहा है। जितने भी ट्रेन जलाएं से वसूला जाएगा, ये सब जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन सब पे कार्रवाई हो रही है, वो बचने वाले कहाँ हैं? सेंट्रल एजेंसी ने भी रिपोर्ट भेज दिया है, आईबी ने भी उसका रिपोर्ट भेजा है। फिर भी अग्निपथ अग्निवीर में कुछ तो कमी रही, दो दो बार बदलाव करना, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ, उम्र सीमा में बढ़ाया, ये इसीलिए, ये तो अच्छी बात है ना, देखिए इसीलिए कि बिहार में जो युवाओं ने 2 साल पहले अपना मेडिकल वगैरह कराया था, एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि सेना, ये बात बड़ी सहानुभूति के साथ हम उन लोगों के लिए यह मैसेज है जिन लोगों ने अपना मेडिकल कराया, जिनका फिजिकल हो गया था। देखिए ये दुर्भाग्य है कि विश्व स्तरीय या राष्ट्रीय आई कोविड का पेंशन पे क्या है, मैं बता दे रहा हूँ कोविड पर, देखिए जिनका 2-2.5 साल पहले फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया था, सेना में 3 साल पहले का फिजिकल और मेडिकल नहीं माना जाता है, उसका फिर से मेडिकल और फिजिकल एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। पेंशन वाले मैं वही आ रहा हूँ उस जगह पर कि देखिए जो लोग नियमित होंगे उनके लिए सरकार योजना ला रही है, जो लोग नियमित होंगे, सेना की जो यह बहाली होगी, एक बात समझ लीजिए, उस बहाली के वो सारे नियम जिसके तहत सेना की शुरू से बहाली होती आ रही थी, ये अग्निवीरों की भी बहाली उसी प्रक्रिया के तहत होगा, उसमें उनको सारा चीज मेडिकल मिलेगा, उनको आपको क्या नाम है, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, उनको अगर कैजुअलिटी होती है पेंशन वाला वो सम्मान भी जितना, देखिए ये चीजें एक मिनट। अच्छा, सांसद विधायक का पेंशन पर तो अब सब सारे लोग कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं इसमें मोदी जी कुछ? मैं देखिए इसमें भी कई राज्यों में संशोधन हुआ है, ये बोलने का हम बोल देते हैं सांसद विधायक के पेंशन पे, कई राज्यों में इसमें संशोधन हुआ, कई लोगों ने उसको घटाया है, इस पर चल रहा है, एक बात बता दे रहे हैं, ये हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि सांसद और विधायक का पेंशन बहुत होना चाहिए, इसमें तो विपक्ष भी है, करें ना, क्यों नहीं करते हैं? हम पूछते हैं आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग क्यों नहीं इस पर प्रस्ताव लाते हैं सदन में, संसद में लाना चाहिए ना, क्यों नहीं विषय लाते हैं ऊपर ये बस ये सिर्फ जनता को भड़काने के लिए। देखिए एक दो तरह का सवाल होता है, एक होता है जिसका समाधान करना है और एक होता है कि सिर्फ उसको वही चीज है कि मतलब पंचायत कराना नहीं है, झगड़ा करना है, तो ये विपक्ष का यह जो भूमिका है ना कि पंचायत नहीं करना, हमको झगड़ा करना है। हम पूछते हैं आप जो इसका विरोध कर रहे हैं, आप संशोधन देते ना सरकार को कि नहीं अग्निवीर पथ अगर आ योजना आपने लाया है तो इसमें 5 तरह के प्रावधान को जोड़िए, तब तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये एक तरीका होता है कि आप सीधा भ्रम फैला रहे हैं, आपने टीका के समय में भी वही भ्रम फैलाया कि यह टीका नहीं है, मोदी टीका है करके, और आज एक योजना लाई है जिसमें क्या, और यही नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वर्ल्ड के जितने भी जो विकसित देश है उन सभी देशों में इसी तरह का पैटर्न से सेना में बहाली आती है। हम पूछते हैं कि आज की तारीख में, आज यूक्रेन में आप देख लीजिए, यूक्रेन में रशिया लड़ रहा है, उसने जमीन पर जितने सैनिक उतारे हैं वो सब मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बम्बार्डिंग से, प्लेन से और ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर से जो है जो युद्ध लड़ रहा है वो सब सफल हो रहा है। हमने इराक में भी देखा, इराक में भी अमेरिका बैठे बैठे वहीं से हरा दिया, उसके जो सैनिक वहां थे वो मारे गए जमीन पर। तो देखिए हर चीज का समय के हिसाब से बदलता है स्वरूप, सेना भी अब आधुनिक होनी चाहिए, सेना अब
जितना फिजिकली लड़ाई नहीं होगा उससे ज्यादा जो है वो टेक्निकली लड़ाई का युग आ गया है। इसलिए इस बात को हमारे युवाओं को भी समझना चाहिए और इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी समझना चाहिए। कम से कम देश हित में तो राजनीति नहीं करें, इससे परहेज करें, मेरा यही निवेदन है। और खास करके उन हमारे युवाओं को भी, क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए, नजर उठा के आपके अगल बगल में आस पास में 17 से 21 वर्ष के ऐसे कितने युवा हैं जिनके बैंक बैलेंस में 12 लाख 15 लाख 29 लाख रुपया है। चार साल में आपका जो अपनी कैपेसिटी सेल्फ हो जाती है वह 30 लाख के आसपास हो जाती है। तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जिसको इतने कम उम्र में देश की सेवा का भी, सेना की वर्दी पहनने का भी मौका मिलता है और एक 22 साल के उम्र में, इतनी कम उम्र में आप एक फाइनेंशियली इतने मजबूत हो जाते हैं कि फ्यूचर आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अन्य लोगों से। इसलिए इस योजना को पहले बढ़िया से समझिए और अगर लगे कि कहीं सुधार की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री जी को अपना सुझाव भेजिए पत्र के माध्यम से, नमन नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से, ताकि इसमें अगर लगता है कि कुछ सुझाव हो सके तो सुझाव किया जा सके। धन्यवाद कहूंगा। मनीष पांडे अभी समझा रहे थे अग्निपथ की अच्छाई और तमाम चीजें, वो तो मैं कमेंट में पढ़ूंगा मनीष जी कि किस प्रकार से आपने इसमें तारीफ की है अपनी पार्टी की और तमाम बातें। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कमेंट करिए और बताइए कि अग्निपथ से क्या इसमें फायदे हैं या फिर नुकसान है। मैं झकास भारत में तमाम खबरें लाता रहूंगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, मनीष पांडे जो बीजेपी के प्रदेश में आईटी से लेकर तमाम चीजें मीडिया की गतिविधियों को देखते हैं और उसी में प्रदेश में काम करते हैं। और अभी के लिए मैं कहूंगा धन्यवाद।